उत्तर प्रदेश के बरेली में डीजे की दुकान पर काम करने वाले युवक की संजय नगर के होली चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। सुबह लोगों ने जब उसका शव देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संजय नगर के क्षेत्रवासियों ने उसे पहचान लिया और उसके परिवार वालों को सूचना दी। थाना इज्जतनगर के गाँव कुम्हरा निवासी मृतक का भाई करण ने बताया, उसका भाई दीपक कश्यप उर्फ हनी सिंह पुत्र नन्नेलाल डीजे की दुकान पर काम करता था। उसके परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात तो उसका शराब पीकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसके बाद लोगों ने उसका बीच बचाव करा दिया था। रात में दीपक की होली चौक के पास ईंट से सर कुचल कर हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने लहूलुहान हालत में उसका शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है। पुलिस जांच में पता चला कि दीपक शराब पीने का आदी था। ये भी माना जा रहा है कि शराबियों ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। करण, आपके कौन थे जी? भैया, क्या नाम था इनका? हनी सिंह। कैसे खत्म हो गया, क्या किसने हत्या कर दी? किसी ने हत्या करी है। कैसे, क्या हुआ, कैसे मिले आपको? जे तो परसों आया हुआ था किसी चीज में, मगर सुबह पता चली हत्या हो गई थी। कहाँ से मारा आपको? ये पत्थरों से मारा गया। सिर पे चोट है कहाँ? सर पे चोट है और ये यहाँ पे आँख पे चोट है, ये आँख पे चोट है, ये तमाश गायब हो गया। ईंटों से कुचल के मारेंगे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुमरा के। क्या करते थे भैया तुम्हारे? जे डीजे का काम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।